हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष गोस्वामी एंड आई एम गोइंग टू से दैट आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश का बिहार का चैप्टर नंबर 3 जो कि है द लिटिल गर्ल, उसका हम पैराग्राफ नंबर पढ़ने वाले हैं नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। मतलब संडे के दिन उसकी ग्रैंड मदर ने कीजिया को अपने मम्मी और पापा से शांति से बात करने के लिए भेजा। देन बट द लिटल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। मगर हमेशा जब भी वो अपने मम्मी पापा को देखती थी, हमेशा उसके पापा को वो सोफ़ा पे लेटा हुआ ही देखती थी और उसकी मम्मी को रीडिंग करते हुए ही देखती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंगली एंड स्नोरिंग। मतलब कि हमेशा जब वो उसके मम्मी पापा को देखती थी तब उनका जो हैंडकरचीफ था वो उनके फेस पे ही होता था और उनका जो फीट था वो बहुत मतलब अच्छे से कुशंस पे होता था। देन She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asking then looked at her. Then don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. मतलब वो जब stairs पे खड़ी खड़ी उन दोनों को देखती थी तब वो बोलती थी कि तुम उधर ऐसे खड़े मत रहो, आप एकदम मतलब वो बोलती थी कि तू एकदम ब्राउन आउल जैसे लग रही है, मतलब एकदम रात में जो ब्राउन आउल होता है वैसे लग रही है। देन वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। मतलब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको शांति से बोला कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, सो तुम्हें अच्छा सा उनको एक कुशन बना के देना चाहिए, एकदम येलो सिल्क का एकदम पिन कुशन, एकदम अच्छा सा कुशन बना के देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 4 और नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।